हाँ जी, क्या हाल है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है ख्याली खाना। तो जो भी खाना होगा आपके ख्यालों में उसको लाया जाएगा सामने। चलिए पेश करते हैं। तो भाई आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तो भाई जैसा आपने टाइटल पढ़ा, आज हमने मंगाया भाई गणपति महाराज के फेवरेट मोदक। भाई जितने मोदक अवेलेबल थे ना मार्केट में, भाई हम सारे कलर के ले, सारी वेराइटी अभी लाता हूँ आपके सामने। कितने सारे भाई अलग अलग कलर्स के, आपको भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ कौन सा मोदक कौन सा है। भाई ये देखो कितनी वैरायटी के मोदक है। ये जो आप टूटा हुआ देख रहे हो ना भाई, ये ऑनलाइन हमने मंगाया था तो आने आने में ही टूट गया। भाई ये नारियल वाला मोदक, ये बहुत सॉफ्ट था, ये देखो पहले ही टूट गया। बट ठीक है, कोई नहीं, टेस्ट करेंगे इसको और आपको बताएंगे भाई कौन से मोदक कैसे टेस्ट में है। भाई ये देखो जो रेड वाला है ना भाई, ये स्ट्रॉबेरी वाला मोदक। भाई ये वाला है ग्रीन वाला, ये दोनों जो ग्रीन वाले लाइट ग्रीन, ये भाई हमारे पिस्ता। और भाई ये जो दो येल्लो कलर में आप देख रहे हो ना भाई, ये केसर वाले मोदक। ये जो दो येल्लो कलर में है भाई, ये वाले हमारे मोतीचूर। ये दो ब्राउन वाले भाई चॉकलेट। और जो अलग सा ब्लू कलर ऊपर जेली सी लग रही है ना भाई, ये है ब्लूबेरी। और जो सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था भाई, ये नारियल वाला, ये टूट गया। बट ठीक है, कोई नहीं। और भाई ये जो लास्ट में कॉर्नर में पड़ा हुआ भाई, ये बेसन का मोदक। चलो टेस्ट करेंगे, नारियल वाला है, इसको टेस्ट करके बताता हूँ। बहुत सॉफ्ट होता, अभी ऑनलाइन लाते लाते ना भाई टूट ही गया, देखो फैल गया डब्बे में। भाई अब खाएंगे रेड कलर वाला स्ट्रॉबेरी वाला, इसको उठाता हूँ, टेस्ट करते हैं। मतलब काजू भी है भाई, लग रहा है महंगे थे बहुत मोदक। भाई गणपति जी के फेवरेट मोदक है भाई, महंगे तो होंगे ही, पर भाई टेस्टी है। भाई अब खाएंगे येल्लो कलर वाला मोतीचूर वाला मोदक, इसको टेस्ट करते हैं। बूंदी का लड्डू जैसा लग रहा है, उसके ऊपर वो जलेबी वाला कलर होता है ना, वो डाला, वो येलो कलर मेरे को। चलो भाई पिस्ता वाला खाते हैं, पिस्ता वाला मोदक ये जाएगा भाई पेट में। सुंदर पिस्ता ना, उसका चूरा डाला हुआ है, जैसे बर्फी होती है ना वैसी लग रही है बर्फी, उसके अंदर पिस्ता, सारी बर्फी कह लो। भाई अब खाएंगे येलो कलर वाला, लाइट येलो कलर वाला हमारा केसर वाला मोदक। ये क्या लग रहा है, अच्छा आप समझो जैसे बर्फी खोए से बनती है ना, ये भी खोए वाली चीज है, सेम बर्फी जैसा लग रहा है, बट अंदर फ्लेवरिंग अलग है, वो मिल्क पाउडर जैसी फ्लेवर की खुशबू आ रही है। केसर वाला ऐसा लग रहा है जैसे रबड़ी वाली आइसक्रीम खाई ना आपने कभी, भाई रबड़ी वाला टेस्ट आ रहा था बिल्कुल। अब चॉकलेट वाला खाते हैं यार, चॉकलेट वाले से पहले ना ये बेसन वाला खाएंगे, बेसन वाला मोदक खाते हैं, इसको टेस्ट करके बताते हैं। भाई बादाम भी दिख रहा है, देखो बेसन के लड्डू की तरह लग रहा है सेम। भाई सारे एक से बढ़कर एक है, खाएंगे ब्लूबेरी वाला, ये ब्लू कलर का देखा ऊपर रेड जली भी थी जो केक के ऊपर होते ना। तो ना ब्लू कलर की आइसक्रीम आती है ना, सेम ऐसा टेस्ट आ रहा है। पहले मुझे लगा ना सारे मोदक का टेस्ट एक जैसे ही होगा, बट भाई सबका टेस्ट अलग अलग लेवल का, अलग अलग लेवल का। भाई लास्ट मोदक ट्राई करेंगे भाई, ये है चॉकलेट वाला मोदक, या इसकी शेप थोड़ी बिगड़ गई ऑनलाइन लाते लाते। चलो खा के देखते हैं। भाई ये था सबसे लास्ट वाला मक्खन, भाई चॉकलेट बर्फी वाला टेस्ट आ रहा है, अंदर काजू के इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, बहुत मजा आया उसको खा के, मतलब एक से एक मोदक थे, एक से एक। भाई अब मैं समझा गणेश जी के फेवरेट इतने मोदक क्यों होते थे, भाई एक से एक मोदक है भाई, इतने टेस्टी थे ना भाई, मजा आ गया भाई जब अंदर खाया ना, होए भाई बर्फी चॉकलेट ब्लूबेरी, भाई क्या का टेस्ट थे। भाई आप भी मोदक ट्राई करना अपने एरिया में, भाई मैं कमेंट सेक्शन में आके बताना आपके यहाँ के मोदक कैसे थे और कैसा था उनका टेस्ट। तो भाई अगली वीडियो में लाएंगे नया ख्याल, तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरिया।